If you are experiencing edema and coldness in your feet, it can be a sign of poor leg circulation, which can lead to gangrene. But those two are small things as compared to the other five things you must know about peripheral arterial disease or leg artery blockages. Aaj janenge about these seven common signs and symptoms of leg artery blockages or peripheral arterial disease. First hai edema ya sujan. Sujan kai karanon se ho sakta hai aur zyadatar vein problem ki sign hai. But agar sujan ke saath pair thande ho aur pair mein dard ho, then it can also be due to artery problem or poor arterial blood flow. Second hai coldness. अगर पैरों में सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो पैर ठंडे पड़ जाते हैं और कई बार सफ़ेद भी लगने लगते हैं. दिस इज ऑफन द फर्स्ट साइन ऑफ रिड्यूस्ड लेग और हैंड सर्कुलेशन. थर्ड इज स्किन थिनिंग एंड हेयर लॉस. ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो स्किन और हेयर दोनों को न्यूट्रिशन कम मिलता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत थिन हो जाती है और हेयर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर टाइम ऐसा लगता है कि उस रीजन का, उस एरिया का हेयर लॉस हो गया है. इसके साथ साथ स्किन ड्राई और क्रैक्ड भी हो जाती है और दिस इज प्रोन टू इन्फेक्शन और डेवलपिंग अल्सर्स. दीज टू आर वेरी अर्ली साइंस और इस स्टेज पर अगर मालूम पड़ जाए, वी कैन डायग्नोज सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज. फोर्थ इज कलर चेंजेस इन द टोज. दिस इज एस्पेशली नोटेड अपॉन एक्सपोजर टू कोल्ड. कुछ लोगों में शुरुआत में पैर या उंगलियां सफ़ेद हो जाती है, बट आगे जाके ब्लू हो सकती है और कई बार इवन ब्लैक या रेड हो जाती है. जब वाइट स्टेज से आगे ये ब्लू या पर्पल या रेड होने लगती है, इसका मतलब है कि पुअर ब्लड फ्लो की वजह से स्किन डैमेज होके और ज़्यादा खराब होने लगी है. दीज आर साइंस दैट द आर्टरी प्रॉब्लम हैज एडवांस टू अ लेटर स्टेज. फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्सर्स और वुंड्स दैट डू नॉट हील. जब स्किन का ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है तो इवन माइनर इंजरी या स्क्रैचेस से पैर में जख्म पड़ जाते हैं और भले ही जख्म कितने छोटे क्यों ना हो, बट ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं. बिकॉज हीलिंग रिक्वायर्स गुड ब्लड फ्लो, अगर ब्लड मिल नहीं रहा है तो ये जख्म को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दीज अल्सर्स आर सो कॉल्ड इश्चेमिक अल्सर्स एंड दे कैन बी सीन ऑन टोज और फिंगर्स. जब अल्सर्स के साथ साथ दर्द बहुत सीवियर हो, खास करके रात को, और कई बार कुछ लोगों में रात को नींद भी नहीं आती है बिकॉज ऑफ द पेन, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट पेन, विच इज अ साइन ऑफ डाइंग नर्व्स. सिक्स्थ साइन है गैंग्रीन. जब स्किन डैमेज होके डेड होने लगती है, तब वो स्किन का पार्ट ब्लैक होने लगता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं. गैंग्रीन वाली कंडीशन को हम क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया भी कहते हैं. क्रिटिकल इसलिए क्योंकि अगर ब्लड फ्लो वहाँ तक नहीं पहुँचा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि गैंग्रीन के बाद पैर में एम्पूटेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो सकती है. सेवन्थ साइन इज फुट और टो वीकनेस. अगर कम ब्लड सप्लाई की वजह से सिर्फ स्किन नहीं बट मसल्स और नर्व्स को भी अफेक्ट होता है, देन अ पर्सन कैन हैव वीकनेस इन द फीट और टोज. क्योंकि टोज की मूवमेंट कम हो जाती है, कुछ लोगों को आगे न्यूरोलॉजिकल कॉज के लिए इवेल्युएट किया जाता है. कई बार MRI, NCV जैसे टेस्ट हो जाते हैं, बट ये कॉज आइडेंटिफाई तब होता है जब पैरों में कलर चेंज या गैंग्रीन हो. तो अगर पैरों में वीकनेस आ जाती है, टो या फीट मूवमेंट कम हो जाती है एंड आपके पैर की स्किन ठंडी है या कलर चेंज हो रहा है, तो ऑलवेज कंसल्ट वास्कुलर सर्जन सो वी कैन डायग्नोज इट बिफोर गैंग्रीन हैपन्स. अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनको ये साथ में से कोई भी तकलीफ है, प्लीज़ आस्क देम टू कंसल्ट अ वास्कुलर सर्जन. और अगर आप जानना चाहते हैं कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन को वापस रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वास्कुलर सर्जन्स, तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा.